हेलो दोस्तों दोस्तों यानी हेल्थ केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बार बार बीमार पड़ना, लगातार थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होना विटामिन B12 की कमी के लक्षण हो सकते हैं, मगर चिंता ना करें क्योंकि इन्हें दूर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस रहती है, कोई काम करने से पहले शरीर में दर्द भी रहता है। इसके अलावा अचानक खड़े होने पर कभी कभी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। बीमारी हर वक्त लगी रहती है, इसका क्या उपाय है, एक क्यों होता है? भारत में ज्यादातर महिलाओं इस तरह की समस्याओं का शिकार रहते हैं। वास्तव में एक कोई बीमारी नहीं बल्कि विटामिन B12 की कमी का लक्षण है। खासतौर से शाकाहारियों में इसकी कमी सबसे ज्यादा देखी गई है, जबकि ये जरूरी विटामिन आपकी मांसपेशियों, मेंटल हेल्थ और एनर्जी के लिए भी जरूरी है। अगर आप भी विटामिन B12 की कमी से जूझ रहे हैं तो आइए जानते हैं इसे कैसे दूर किया जा सके। फ्रेंड्स, वास्तव में विटामिन B12 की कमी एक नहीं कई समस्याओं को जन्म दे सकते हैं, जिसमें एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सहित कई अन्य बीमारियों भी शामिल है। अगर आप भी इन समस्याओं से बचकर चुस्त और दुरुस्त रहना चाहते हैं तो इससे तुरंत दूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं विटामिन B12 क्यों जरूरी है आपके लिए। बॉडी में विटामिन B12 की कमी पूरी होने पर शरीर को भरपूर एनर्जी मिलती है। इसके साथ ही B12 रेड ब्लड सेल्स बनाता है, साथ ही पूरे शरीर में भी पहुंचा भी देता है। नर्वस सिस्टम को भी डैमेज होने से बचाता है। आंखों की समस्या को दूर करना, हड्डियों को मजबूत बनाना, दिल को स्वस्थ रखना आदि फायदा है। फ्रेंड, शरीर को हर रोज एक नया मात्रा में हर विटामिन की जरूरत पड़ती है। विटामिन B12 भी शामिल है। विटामिन B12 की शरीर में हर रोज 13 साल और उससे अधिक उम्र के महिला और पुरुष को 2.4 मिलीग्राम जरूरत पड़ती है। 9 से 13 साल के बच्चों के लिए 1.8 mcg, 4 से 8 साल बच्चों के लिए 1.2 mcg, 1 से 3 साल के बच्चों के लिए 0.9 mcg की आवश्यकता पड़ती है। इससे कम की मात्रा में शरीर को बीमारी की तरफ ले जाते हैं, जिससे ध्यान देने की जरूरत है आपको। फ्रेंड्स, उसके बाद जान लेते हैं विटामिन D12 की कमी का लक्षण क्या है। जैसे कि तेज बुखार, हाथ पैर सुन्न होना, थकान और कमजोरी होना, ज्यादा पसीने आना, गले में खराश, आंखों में धुंधला दिखाई देना, चलने में मुसीबत, पेट की समस्या, कान में सीटी बजना, मुंह में छाले, डिप्रेशन, स्किन का पीला होना, चक्कर आना, दस्त कम होना, सांस फूलना, भूख कम लगना आदि समस्या है। इसमें से कोई समस्या यदि आपको है तो उससे तुरंत आपको दिखाए और ट्रीटमेंट करवाए, जिससे कोई भी प्रॉब्लम विकराल रूप ना ले सके। फ्रेंड्स, लास्ट में हम जान लेते हैं विटामिन B12 को पूरा करने के लिए कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। नंबर 1, मछली। फ्रेंड्स, विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए मांसाहार में ज्यादा विकल्प मौजूद है। इसके लिए जो नॉनवेज खाता है वो मछली का सेवन कर इसका समस्या से निजात पा सकता है। मछली में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नंबर 2, दही और दूध। फ्रेंड्स, वही जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है और मछली नहीं खा सकते वो दूध दही का नियमित सेवन करके इसकी मात्रा को पूरा कर सकते हैं। वेजिटेरियन को बता दें कि एक कप दही में 29% विटामिन B12 पाया जाता है। दूध में 2 mcg विटामिन B12 मिलता है। इसके अलावा कैल्शियम, प्रोटीन भी शरीर को मिलता है। नंबर 3, सोया दूध। फ्रेंड्स, वही फोर्टिफाइड नॉन डायरी मिल्क में एक कप सोया दूध और बादाम के दूध में 2.9 mcg विटामिन B12 होता है। दलिया, ओट सहित अन्य साबुत अनाजों में भी विटामिन B12 पाया जाता है। इसके साथ आयरन, विटामिन ए और फोलेट की मात्रा अधिक होती है। नंबर 4, अंडा। फ्रेंड्स, अंडे में भी भरपूर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। जो भी लोग इन चीजों का नियमित सेवन करते हैं उन्हें विटामिन B12 की समस्या का शिकार नहीं होना पड़ता। यदि आपको कोई समस्या विटामिन B12 की है तो इन चीजों का सेवन करके परेशानी से बच सकते हैं। तो
तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ व्हाट्सअप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। ऐसे ही लाइफ स्टाइल सस्त और सुंदर जुड़ी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।